जिला कांगड़ा धार्मिक पर्यटन के लिए विख्यात है। बात करें श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम और भाग सुना की, तो यहां श्रद्धालुओं के मनोरंजन व सुविधा के लिए नौका विहार शुरू करने के साथ लंगर भवन बनाने की योजना है। श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम स्थित तालाब में कुछ वर्ष पूर्व साथ लगती बनेर खड्ड में आए पानी के तेज बहाव के चलते रेत भर गई थी, जिसके चलते मंदिर प्रशासन की ओर से तालाब को खाली करवाया गया था। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मंदिर का सौंदर्यकरण करने के साथ तालाब को भी नया रूप प्रदान किया गया है। वहीं अब इस तालाब में मंदिर प्रशासन की ओर से नौका विहार शुरू करने की योजना है। जानकारी के अनुसार तालाब में पैंडल वाली 4 नौका रखी जाएगी, जिनका आनंद श्रद्धालु उठा सकेंगे। उधर मैकडोलगंज के भाग सुनाक मंदिर में लंगर भवन निर्माण की मांग लंबे समय से उठ रही है। भाग सुनाक मंदिर के ट्रस्टी भी इस मामले को उपमंडल प्रशासन के समक्ष उठा चुके हैं। अब भाग सुनाक मंदिर में लंगर भवन बनाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों कार्य हेतु चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता हटने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसे की श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में नौका विहार और भाग सुनाग में लंगर भवन का निर्माण किया जा सके। उधर SDM धर्मशाला शिल्पा व्यक्ति ने बताया कि श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के तालाब में नौका विहार शुरू करने की योजना है, वहीं भाग सुनाक में लंगर भवन बनाया जाना है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद श्री चामुंडा और भाग सुनाक में नौका विहार और लंगर भवन की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध होगी। धर्मशाला जो हमारा क्षेत्र है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। यहाँ माँ चामुंडा का मंदिर है और साथ में भाग सुनाग मंदिर भी है। माँ चामुंडा में ADB से भी काफ़ी हमें फंड्स मिले थे और वहाँ पे डेवलपमेंट की गई थी, सरोवर पुनः वहाँ पे बनाया गया है। तो अब आगामी वर्ष में हम वहाँ पे नौका विहार दोबारा करवाना चाहेंगे और इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, टेंडरिंग प्रोसेस इत्यादि है, उसको हम शुरू कर देंगे जैसे ही हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो भागसुनाग मंदिर है वहाँ पे काफी दानी सज्जन आते हैं और लोग लंगर जो है वो करवाते हैं, तो वहाँ एक अच्छा लंगर भवन नहीं है और हमारे ट्रस्टीज की तरफ से भी यह एक मुद्दा उठाया गया है। तो आने वाले समय में भागसुनाग मंदिर में भी हम अपना लंगर भवन बनाना चाहेंगे और वहाँ पे लोगों को ये सुविधा देना चाहेंगे। तीसरा, हमारे पास धुर्वेश्वर महादेव है जिसके समीप डल झील है और डल झील को काफी मुरम्मत की जरूरत है, आवश्यकता है वहाँ पे, क्योंकि अपने आप जल का रिसाव हो रहा है। तो इस विषय में भी आज हम वहाँ पे मौका देखने जा रहे हैं। तत्पश्चात एक हम बैठक रखेंगे और उससे पहले भी एक प्राकलन सरकार हिमाचल प्रदेश को गया हुआ है और वो प्राकलन कहाँ पहुँचा है, उसमें कितनी फंडिंग आई है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, टेंडर प्रक्रिया क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था इसलिए हम कर नहीं पाए थे, तो जैसे ही हमारे चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी इमीडिएटली उसके बाद हम टेंडर्स को लागू करेंगे। पैडलिंग वाली ही होगी, डीजल वाली से थोड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में हमें यह भी देखना है कि जो हमने सरोवर रिले किया है तो बोट से उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो नुकसान ना हो, तो वो वाला इंतजाम भी हमें करना है। अभी के लिए हमने जो प्राकलन हम तैयार कर रहे हैं, टेंडर्स जो हम कर रहे हैं, उसमें 4 बोट्स का है। बाकी फिजिबिलिटी देखेंगे, 4 से कम भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 4 का ही।